स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा YouTube और Google अकाउंट हैक हुआ और कैसे हमने इसे वापस लेने का प्रोसेस शुरू किया। मैंने आपको बताया कि YouTube क्रिएटर सपोर्ट टीम से मेरा कॉन्टैक्ट कैसे हुआ और उन्होंने Google अकाउंट को रिकवर कराने में मेरी हेल्प करनी कैसे शुरू की और उन्होंने Google सपोर्ट टीम को मेरा अकाउंट रिकवर कराने की कैसे रिक्वेस्ट की। तो अगर आपने वो पिछली दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन दो वीडियोस का आपको लिंक दे रहा हूं, उन्हें आप शुरू से देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि गूगल सपोर्ट टीम का मेरे पास उसके बाद ईमेल आया और उन्होंने इस ईमेल में मुझे स्पेशल रिकवरी ईमेल लिंक प्रोवाइड किया जो वन टाइम यूज़ के लिए था। मैंने उस लिंक पर क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स दी जिसे गूगल ने हैक होने से पहले की डिटेल्स से मैच किया और मुझे पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन दे दिया। मैंने तुरंत पासवर्ड चेंज किया अपने स्मार्टफोन से क्योंकि मेरे कंप्यूटर में वो वायरस मौजूद हो सकता था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट हैक हुआ था, और अपनी रिकवरी ईमेल और फ़ोन मैंने फटाफट चेंज किया। और उसके बाद मैंने अपने गूगल अकाउंट में और भी ज़्यादा सिक्योरिटी ऑप्शन ऑन कर दिए, जैसे कि मैंने फ़ोन वेरिफिकेशन ऑन किया और मैंने SMS ऑन किया। इसके बाद मैंने अपने सिस्टम पर विंडोज़ को पूरी तरह से फॉर्मेट करके नई विंडो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल की जिससे वायरस इन्फेक्शन का कोई चांस ना रहे। फिर मैंने अपने गूगल अकाउंट को अपने सिस्टम पर लॉगिन किया। अब बारी थी टर्मिनेटेड यूट्यूब चैनल को वापस लाइव करवाने की। जिस यूट्यूब चैनल पर आप यह वीडियो देख रहे हैं यही वो चैनल है जो हैक होने के बाद टर्मिनेट हो गया था। फिर हमने यूट्यूब से रिक्वेस्ट करी कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ यूट्यूब चैनल से हुई जिसकी वजह से यह टर्मिनेट हुआ वह हमने नहीं बल्कि हैकर ने ये सब किया, और साथ ही हमने चैनल अपील फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद यह यूट्यूब चैनल जो कत्यों वापस आ गया और जो फेरबदल हैकर ने चैनल में किए थे, जैसे चैनल का नाम बदल दिया था और चैनल से लाइव किया था, इन सबको मैंने ठीक किया। दोस्तों चैनल हैक होने से लेकर वापस आने तक लगभग इस पूरे प्रोसेस में 20 दिनों का मुझे वक्त लगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये तीन वीडियो की सीरीज यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा।